हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूं इंद्राणी और आज मैं आप लोगों के सामने मिल्क बर्फी का रेसिपी लेके आई हूं। हम लोग आज ये बर्फी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी होता है, तो आइए शुरू करते, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब मैं इसमें 3/4 कप पाउडर्ड शुगर ऐड करूँगी और 1 कप मिल्क। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे और एक बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी जब तक नहीं मिलता तब तक हम लोग इसे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, एक बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गया है, इसमें कोई लंप नहीं है। अभी एक कढ़ाई लिया है, अब मैं इसमें ये मिल्क का जो मिक्सचर है इसको ऐड कर दिया और अब मैं इसमें 1/4 कप घी ऐड करूंगी। और अभी हमें इसे हिलाते रहना है धीमी आंच पे ताकि जब तक ये पूरा मिल्क, ये जो मिक्सचर है, एक लंप के जैसा नहीं बन जाता है, तब तक हमें बस इसे धीमी आंच पे पकाते ही रहना है। ऐसे आप लोग ग्रेजुअली वीडियो में देख सकेंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा और धीरे से ये एक लंप सा जब बनेगा तब तक हम लोग बस इसे ऐसे पकाते रहेंगे। ये गाढ़ा होता जा रहा है, थोड़ा आप लोगों को पेशेंस रखना होगा इसमें। अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है, अभी और थोड़ी में देर में ही ये जैसे लंप बन गया है, बस इतने तक ही हमें इसे पकाना है। अभी यहाँ पे एक जहाँ पे मैं सेट करूँगी वहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीस करके एक बटर पेपर लगा दिया है और इस दूध के मिक्सचर को मैं इसमें दे दूँगी और फिर इसे सेट करना है। और इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा नट्स से गार्निश कर दूँगी। मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता लिया है, आप लोग अपने पसंद के कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। और इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे और फिर फ्रिज में रख दूँगी मैं अराउंड 2-3 घंटे के लिए। तो ये देखिए, फ्रिज से निकालने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसे बस हम लोग जो भी आप लोग को जैसा भी शेप में काटना है इस तरीके से आप लोग काट के इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजीली मिल्क बर्फी बन गया है, तो ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।